बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल रात गए अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और दर्जनों मुस्लिम लीग के आला रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये रवायत हमेशा रही है, हुक्मरान वक्त कोई भी हो इख्तलाफ़ राय को बर्दाश्त नहीं करता। इन पे मुकदमात, सियासतदानों पे मुकदमत होना, नवाज शरीफ भी अपने मुहालफिन पर करते रहे। नजम सेठी पर मुकदमा करवाया उन्होंने और भी दीगर लोगों पर लगाए। सहाफत पर कदगन भी लगते रहे, सहाफत पर आज भी कदगन लग रहे हैं। एक मनी लॉन्डर को रेटिंग का तराजू पकड़ा दिया गया जिसका किरदार खुद मशकूक है और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान ने अहम रिमार्क्स दिए जो हिस्ट्री बन चुके हैं। नाज़रीन, जैसे ही अपोजिशन जमातों ने पीडीएम ने बनाया, उसके बाद हकूमत में हलचल सी मच गई। अपोजिशन का मैं समझता हूँ पूरा मन एहतजाज हक था, हक है और हक रहेगा। मैं खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा मोहतरम इमरान खान साहब जब 2014 में धरना कहते थे तो मैं कह रहा था पुरअमन एहतजाज हक है धांधली के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ। आज भी मेरी यही राय है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ की तकरीर पे मुझे भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। कुछ बातें उन्होंने ऐसे की जिसमें मेरे मुल्क के अदारों को टारगेट किया जो कि अच्छी रवायत नहीं है। ये मुनासिब नहीं है कि आप अपनी अस्करी क्यादत और खसूसन अदलिया को टारगेट करो। अगर कोई गलत करता है तो फिर उसका नाम लेके बताएं। लेकिन दुख और नहायत तकलीफ से बात है, इमरान खान साहब जिसने 22 साल जद्दोजहद की जमहूरियत के लिए एक रास्ता अपनाया मुकम्मल, लेकिन उन्होंने बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया किसके खिलाफ? साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। और उसमें कौन? साबक वज़ीर आज़म शाहिद हकान बासी मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब, रिटायर्ड 3 जनरल जस्टिस क्यूम और अब्दुल कादर बलोच, और यहां तो और आजाद कश्मीर के राजा फरूक हैदर साहब को भी कर दिया। आपने इन दर्जनों लोगों पर मुकदमा दर्ज करके बगावत के दुनिया को क्या पैगाम दिया कि हमारी सियासी क्यादत सारी पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है? नहीं, ये मुनासिब नहीं, ये गलत बात है, ये गलत रवायात है। इख्तलाफ राय को बगावत में बदल देना या मुल्क दुश्मनी करार दे देना ये सियासत को गाली देने के मुतरादिफ है। मुझे आज दुख हुआ कि एक जमहूरियत में एक शख्स ने तो तकरीर की, चलो उस पर ये आपने कसूर लगा दिया, गो कि मैं इसको भी बगावत का मुर्तकब नहीं करार देता, नवाज शरीफ साहब को भी इस बात पर। लेकिन हैरत है कि जिन जिन लोगों ने सुनी तकरीर आपने सबको मुलवस कर दिया और पता नहीं दर्जनों या सैकड़ों नामालूम कर दिए। वो तकरीर तो लाखों लोगों ने सुनी होगी। क्या लाखों लोग खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता इस मुल्क के दुश्मन है? अभी कुछ देर पहले मैंने फवाद चौधरी साहब जो सुबह वफाकी वजीर है उनका ट्वीट देखा कि जब वजीर आजम इमरान खान साहब को पता चला कि बगावत का मुकदमा लाहौर शादरा में नाहल और करप्ट एक अफसर की हदायत पर मुकदमा दर्ज हुआ तो वजीर आजम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इमरान खान साहब, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। गो के नैब की जानबदारी सबको पता है, नैब तो एहतसाब ठीक नहीं कर रहा। आपने ये मुकदमे पे अगर इसकी मुखालफत किया तो मैं इमरान खान साहब को काबिले तहसीन और सलाम करता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब, आप हाकम वक्त हैं, आप मेरे मुल्क के हाकम हैं, आपको ये कन्फर्म कराना होगा ये पर्चा किसने दर्ज करवाया। उसने पर्चा दर्ज करके अपनी लॉयल्टी तो आपके साथ सोची लेकिन आपकी हुकूमत के साथ दुश्मनी की। तारीख में लिखा जाएगा एक जमहूरी हुकूमत ने दर्जनों सियासतदान को गद्दार करार दे दिया या बगावत का मुकदमा दर्ज किया। ये निशानी सारी उम्र रहेगी, ये हिस्ट्री से निकल नहीं सकेगी। लिहाजा मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, मोहतरम इमरान खान साहब चेक करें कि ये किसके हुक्म पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें ताकि आपके मतहत लोगों को पता चल जाए कि मौजूदा हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। मैं आपको मेरी अपनी जाती राय है, पीडीएम का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। 11 तारीख को कोयटा में जलसा रखा, फिर 18 को, फिर 11 को बदल दिया, कराची चले गए,
इन्होंने तहरीक नहीं चलानी। तहरीक जो होती है रोजाना मुसलसल चलाना, जिससे आम आदमियों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो, उससे हुकूमत को टाइम टाइम मिलता है। 15 दिन बाद एक जलसा कर लिया, ना नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी, इससे हुकूमतें कभी नहीं जाती। इसका मतलब है मौजूदा जो 11 जमातों ने इत्तेहाद बनाया, इनमें इत्तेफाक नहीं है। पहले सदारत में झगड़ा हुआ, फिर पहले जलसे में झगड़ा हुआ, फिर दूसरे जलसे में झगड़ा हुआ, फिर पीपल्स पार्टी बज़ाहिर बाजी नज़र में इससे पीछे हटती हुई नज़र आती है। अब 18 अक्टूबर को सानिया कराची हुआ था कार साथ, उस जलसे को आपने PDM का जलसा करार दे दिया। अच्छी बात है आप करें, लेकिन इस तरीके से हकूमत के जाने के आसार बज़ाहिर नज़र नहीं आते। आज इनकी क्यादत ने, PDM की क्यादत ने ये फैसला किया कि मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे, मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन असल जो तहरीक है यानी कि रेगुलर तहरीक नहीं चलाएंगे। 8 दिन बाद 10 दिन बाद एक जलसा करेंगे, अरबों रुपये लगाएंगे, करोड़ों रुपये लगाएंगे और ख़त्म हो जाएगा जलसा। कितने लोग आते हैं ये तो वक्त आने पर बताएंगे। लेकिन आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। असल था थ्रेड लॉन्ग मार्च, उसमें मौलाना फजलुर्रहमान ने मदरसों के लोग लाने थे, किसी सियासी जमात ने फंडिंग करनी थी, कुछ लोग इकट्ठे होने थे, उसके लिए इमरान खान साहब की मुश्किलात थी। इस PDM की तहरीक को कामयाब कराने में अपोजिशन जमातों का कोई किरदार नहीं है। उनमें आज भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। कोई कहता है इसकी सदारत परमानेंट नहीं होनी चाहिए, इसे बदलते रहना चाहिए, कभी तारीख पर फड्डा हो जाता है। लेकिन हुकूमती वुज़रा ने इतना जिक्र किया, इनका इतना जिक्र किया कि ये हर बंदे को पता चल गया अपोजिशन मूवमेंट चला रही है। अदरवाइज़ आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि अपोजिशन को मूवमेंट भी चला रही है। लेकिन नादान वज़ीर आज़म के साथियों ने इसको सारा दिन TV पे एक वज़ीर बोलता, दूसरा तीसरा फिर एडवाइज़र बोलता है, लोगों को बता दिया कि तहरीक चल रही है, वरना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि अपोजिशन ने कोई मूवमेंट का ऐलान किया है। नादान, दूसरी बात मैं एक बात और करना चाहता हूँ। मरियम नवाज साहबा इसमें हर अव्वल दस्ता बन रही हैं। मरियम नवाज साहब के चचा शहबाज शरीफ साहब और उनके चचा के बेटे हमजा शहबाज गिरफ्तार हैं। क्या मरियम नवाज साहबा का एहतजाज करना हक है और उन्हें हासिल है अख्तियार है ये, लेकिन पुरमन अदारों पे हमला ना करें, खुदारा इस मुल्क को टकराव की तरफ ना लेके जाए। इकॉनमी तबाह हो चुकी है, इकॉनमी इतनी ज़मीन बोझ हो चुकी है, जितनी दुश्मन इस वक्त हुकूमत की इकॉनमी की बुरी हालत है ना, कोई नहीं है। क्योंकि इकॉनमी उठाने के लिए इनमें सख्त नहीं, इनकी स्ट्रेटेजी नहीं। वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब अपने साथ ज़्यादा उन लोगों को ओबलाइज करते हैं जो लोग गैर मुंतहिब हैं, जिनका आवाम से वोट का रिश्ता नहीं, जो आवाम के दुख सुख में शामिल नहीं होते। हर सियासतदान आता है, आवाम का नाम लेता है, लेकिन आवाम से ही फासले कर लेता है। कहा जा रहा है कि जुल्फी बुहारी ने कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से वो लंदन गए, वापस नहीं आ रहे। इस बात में हकीकत कितनी है, इस पर मैं कुछ बात नहीं करूँगा जब तक हकायक सामने नहीं आएंगे, लेकिन उन पर भी इल्ज़ामत संगीन है। बहरहाल उसमें हकीकत है या नहीं ये वक्त बताएगा। नाज़रीन, एक और बात, पाकिस्तान में इकॉनमी बहुत तबाह हो चुकी है। इस वक्त हकूमत को अच्छे अफसर, दयानतदार, बाकरदार, नेक लोगों की ज़रूरत है। इमरान खान साहब, आप अपोजिशन से डरने की बजाय अपनी कारगर्दगी से डरे। आपने वादा किया था आप लोगों को तालीम मुफ्त देंगे, सेहत मुफ्त देंगे, इंसाफ देंगे, रोज़गार देंगे, छत देंगे, मकान देंगे, बिजली सस्ती करेंगे, पेट्रोल सस्ती करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, रोज़मर्रा की अशिया होगी। अगर भूख के, महंगाई के, तालीम से महरूम लोग तबका सड़कों पे आ गया तो फिर तख्त उछाले जाएंगे, ताज गिराए जाएंगे, फिर बड़ी बड़ी दीवारें रेत की तरह रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगी। उस वक्त से डरे। और मैं अदारों को भी एक गुजारिश है मेरी नहायत अदब एहतराम से, वो हुकूमत को सियासी मामला सियासी अंदाज में हल करने दें, उनकी इसमें किसी किस्म की मदद ना करें। अपने आईनी दायरे में रहकर अपना आईनी इख्तियार करें। जब उनको फौज तलब करे, हुकूमत किसी अदारे को तलब करे, तो वो कानून और आईन के मुताबिक अपना रोल अदा करें। सियासी अदारों का गैर जानबदार रहना इतना ही ज़रूरी है जितना पाकिस्तान।
क्योंकि अदारे हमेशा मुल्क के होते हैं, किसी एक सियासी जमात से नहीं होते। हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब के पास जो पौने तीन साल है वो इसमें कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखेंगे, बदले की आग में इस कौम को नहीं जाने देंगे। अपोजिशन को हक है कि वो हर वो आइनी तरीका इस्तेमाल करे जिससे हुकूमत जा सकती है, लेकिन गैर आइनी नहीं। और दूसरा, जो सदारती निज़ाम का प्रोपोगंडा कर रहे हैं उन्हें मेरी गुजारिश होगी आइन पढ़ लें। सदारती निज़ाम लाने के लिए आइन में बहुत चीज़ें वाजिया है, वो इस हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को ट्रक की बत्ती की बजाय मालगाड़े की बत्ती के पीछे लगा के अपना और कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हुक्मरानों को चाहिए, हुक्मरान जमातों को, कि अपोजिशन को तनकीद या बुरा भला कहने की बजाय अच्छी कारकर्दगी का निशानदेही करें ताकि लोग उनकी तरफ आएँ। लोगों ने उनको ज़िंदगी की बेहतर सहूलतें लेने के लिए मुंतहिब किया था, ना ये कि गाली गलोच के लिए। इमरान खान साहब का माजी अच्छा है, हमें उम्मीद है कि वो इस वक्त ऐसे फैसले करेंगे कि जिससे मुल्क की इकॉनमी ऊपर आएगी, लोगों को इख्तलाफ राय का हक होगा। और हर बंदा मीडिया पर तनकीद करता है, 22 करोड़ आवाम के लिए एक रेटिंग का मेयार है जो नाइंसाफ़ी पर मबनी है, उसको भी ख़त्म करें। नाज़रीन, आप जहाँ रहें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिशें करते रहें, कानून की हुक्मरानी ही तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। आप खुद अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।